दूसरे हफ्ते में फ्लैश का हुआ बुरा हाल, कॉमिक कॉन से इस बार दूर रहेंगे स्टूडियोज, और किसी एक्टर ने कहा कि गेम ऑफ थ्रोन से बेस्ट है मार्वल। आज के बीटी फ्लैश के इस 23rd एडिशन में आपके लिए तगड़ी अपडेट्स लेकर आए, आखिर तक जरूर बने रहना। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीकली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैश इस साल की मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो मूवी थी, पर जिस तरह से फ्लैश पीटी है, लगता है इसकी हाइप सिर्फ ऑनलाइन तक ही सीमित थी। फैंस ने डीसी को एक बड़ा तमाचा इस मूवी के साथ दिया। $55 मिलियन की बेकार ओपनिंग के साथ सोचा जा रहा था कि फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में अच्छा होल्ड दिखाएंगी, पर वो कहते हैं ना, जो नया एक बार डूबने वाली होती है उसे छोड़ने में होशियारी होती है। इसी तरह दूसरे हफ्ते में फ्लैश की नया 72% से गिरी। डोमेस्टिक मार्केट में फिल्म ने सिर्फ $15 मिलियन दूसरे हफ्ते में कमाए। इसी के साथ जो भी थोड़ी बहुत पुराने डीसी यूनिवर्स से उम्मीद लगाई जा रही थी, वो भी पानी में फंसी गई। पहली मॉर्टल कॉम्बैट कोविड के होते हुए भी एक स्लीपिंग हिट साबित हुई थी, जिसके तुरंत बाद ही सीक्वल को अनाउंस कर दिया गया था। इस हफ्ते फिल्म के प्रोड्यूसर टॉड गार्डनर ने फिल्मिंग की शुरुआत की अनाउंसमेंट की। इतना ही नहीं, टॉड ने फैंस को भरोसा दिया है कि उन्होंने पहली मूवी के मिस्टेक से काफी कुछ सीखा है और फैंस की सुनते हुए कुछ बदलाव मॉर्टल कॉम्बैट 2 में हमें देखने को मिलेंगे। क्या आपको पता है, जेनिफर लॉरेंस ने भी ट्वाइलाइट मूवी में रोल के लिए ऑडिशन दिया था। जेनिफर ने अभी अभी एक इंटरव्यू में इस डिटेल को रिवील किया और उन्हें तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया गया, जिसे लेकर जेनिफर को बहुत दुख भी हुआ था। पर इसी के एक साल बाद उन्हें हम हंगर गेम्स में देख पाए थे और रेस्ट इज द हिस्ट्री। कॉमिक कॉन हम सभी एंटरटेनमेंट फैंस के लिए एक गजब ट्रीट होती है, जहां हमारी फेवरेट मूवीज और शो के कास्ट के साथ पैनल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और अपकमिंग मूवीज और शोज की कुछ फुटेज भी हमें दिखाई जाती है। पर इस बार SDCC AKA सैन डिएगो कॉमिक कॉन से मेजर स्टूडियोज दूर रहेंगे, जिसमें डिज्नी, नेटफ्लिक्स, वार्नर ब्रदर्स, सोनी और यूनिवर्सल शामिल है। इसके पीछे की वजह एक्टर स्ट्राइक को बताया जा रहा है। ऑलरेडी राइटर स्ट्राइक के चलते हॉलीवुड हादरा हुआ है। ऐसे में अगर 30 जून तक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड और स्टूडियोज में कोई समझौता नहीं होता है, तो इसके बाद एक स्ट्राइक बुलाई जाएंगी, जिसके चलते कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस किसी भी तरह के शूटिंग और प्रमोशन इवेंट्स का हिस्सा नहीं बन सकते। SDCC जुलाई महीने में होना है और मूवी के एक्टर्स के बिना कोई पैनल कर पाना ऑलमोस्ट बेवकूफी होगी। आपकी क्या राय है इस एक्टर स्ट्राइक को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2016 में माइकल फासबेंडर की असैसिन क्रीड आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी, पर अब 7 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है कि मूवी ट्रेंडिंग चल रही है और यह कारनामा कर दिखाया नेटफ्लिक्स ने। दरअसल पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स ने असैसिन क्रीड को अच्छा खासा अपने प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन दिया, जिसके चलते असैसिन क्रीड पिछले हफ्ते में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवीज की लिस्ट में जा पहुंची। 41 देशों में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म ने टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई। अब तक मूवी 5,40,000 घंटे का वॉच टाइम अमास कर चुकी है। ये शो करता है कि नेटफ्लिक्स किसी भी ओल्ड मूवी को कब भी सुपरहिट करवा सकता है। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर को 2 पार्ट में बनाया गया है, जिसका पहला पार्ट इस साल रिलीज हुआ था और दूसरा पार्ट अगले साल 29 मार्च को आने वाला था। पर वैरायटी ने अपने आर्टिकल में कुछ रिपोर्ट्स दिखाई है, जहां स्टीफन नाम के एक एनिमेटर ने क्लियरली बताया है कि बियॉन्ड द स्पाइडरमैन मार्च 29 तक कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इस इंटरव्यू को मई महीने में लिया गया था। स्टीफन ने आगे और बताते हुए कहा कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को रिलीज होने से पहले फिनिश लाइन तक ले जाने में सबकी ऑलमोस्ट जान चली गई थी और अब फिर से इस नर्क से कोई भी एनिमेटर जाना नहीं चाहता। बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स 29 मार्च 2024 को रिलीज हो पाएंगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गेम ऑफ थ्रोन्स फेम एमिलिया क्लार्क फिलहाल मार्वल के नए शो सीक्रेट इन्वेजन में टैलोस की बेटी गिया बनी हुई है। एमिलिया क्लार्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मार्वल अब तक की बेस्ट फ्रेंचाइजी है जिसमें उन्होंने काम किया। अब ये भी हो सकता है कि फिलहाल वो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का पार्ट है, इसलिए वो ऐसा कह रही हो। पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एमिलिया क्लार्क उन एक्टर्स में से एक है जिन्होंने मल्टीपल बड़ी फ्रेंचाइजीज में काम किया है। क्लार्क ऑलरेडी गेम ऑफ थ्रोन्स, स्टार वार्स और टर्मिनेटर जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुकी है और इस तरह का स्टेटमेंट उनके तरफ से सुनना हम सभी मार्वल फैंस को बहुत खुश करता है। आदि पुरुष अपने सेकंड वीकेंड में 90% के ड्रॉप के साथ सिर्फ 14 करोड़ कमा पाई। इसी के साथ प्रभास स्टारर ऑलमोस्ट अपना बॉक्स ऑफिस रन खत्म कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब तक सिर्फ 420 करोड़ क्रॉस हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस अपडेट्स को यहीं पर खत्म करते हैं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग अपडेट्स अगले हफ्ते सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।